हेलो दोस्तों, आज मैं कैनन प्रिंटर का रिव्यू दिखाने वाला हूं। यह इमेज क्लास MP4802D प्रिंटर है। यह कॉपी और स्कैन दोनों कर सकता है। ये देखिए, इसमें फोटोकॉपी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें यहाँ देखिए मेनू दिया हुआ है, रिपोर्ट, पेपर सेटिंग, स्टेटस, मॉनिटर, कैंसल। साथ ही साथ यहाँ पर ओके बटन दिया हुआ है। जब हम मेनू बटन को प्रेस करते हैं तो हमें इस तरह से मेनू में बहुत सारे चीज़ दिखाई देता है, प्रेफरेंस। अब इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, टाइमर सेटिंग, कॉपी सेटिंग, स्कैन सेटिंग, एडजस्टमेंट, मेंटेनेंस, सिस्टम सेटिंग, इनिशियल मेनू। तो इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ का आराम से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी सेटिंग, टाइमर सेटिंग, एडजस्टमेंट में अगर हम देखते हैं, जाकर ओके अगर हम करते हैं, तो इस तरह से स्पेशल प्रोसेसिंग, क्लीन फिक्सिंग यूनिट भी दिया हुआ है। इधर कितना पेज प्रिंट निकालना है वो दिया हुआ है। साथ ही साथ यह एनर्जी सेविंग है। यदि 5 मिनट यदि आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो यह एनर्जी सेविंग मोड में चला जाएगा और यह लाइट बंद हो जाएगा अपने आप। तो इस तरह से यह एनर्जी सेविंग भी कर सकता है। और साथ ही साथ क्विक प्रिंट के लिए ये बटन दबाना होगा, स्टॉप के लिए यहाँ पर दबाना है, स्टार्ट बटन के लिए ये दबाना है। ये जो प्रिंटर है इसका कार्टिज रिफिलिंग बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से हो सकता है। यह इसके रिफिलिंग में बहुत ही कम खर्च आते हैं। इस प्रिंटर में ऑन ऑफ के लिए देखिए यहाँ बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करने पर यह क्लोज होने हो जाता है। जब दूसरा जब एक बार और बटन दबाते हैं तो यह देखिए इस तरह से यह इनिशियलाइज हो करके और पावर ऑन के स्थिति में आ जाता है। इसके कार्टेज को बहुत ही आसानी से रिफिलिंग किया जा सकता है। इसे देखिए, आज यह हम बाहर निकाल रहे हैं, देखिए ये इस तरह से इसमें बाहर में भी आप प्रिंट इसे रिफिलिंग करवा सकते हैं। यह 150 रुपये में यह रिफिलिंग हो जाता है और यह 1000 पेज तक प्रिंट कर सकता है। तो यदि आप रिफिलिंग करवाना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो यदि आप इसमें खुद से रिफिलिंग करना चाहेंगे तो थोड़ा सा ये सब जानकारी लेना होगा। तो इस तरह से यह प्रिंटर काम कर रहा है। अब हम इसकी प्रिंट क्वालिटी को देखना चाहते हैं। जैसे कि देखिए ये जो है हम ये प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इसको हमने इसमें रख दिया। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन दबाया यह ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है और यह देखिए यह प्रिंट कर दिया है। यह देखिए इसकी प्रिंट क्वालिटी कितनी बेहतर है और यह प्रिंटर हमारे लिए उपयोगी है।